कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? आइए, आपका स्वागत है कॉम्प्यूटर कम्युनिटी के टॉप एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से जो भी आपका सीजीपीएससी का जो अपकमिंग एग्जाम है उसका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर क्या करेंगे, कवर कराएंगे। ठीक है, मैं डेविड आपके लिए सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ मैथमेटिक्स का। अब इसमें बेनिफिट ये होगा कि पहला चीज़ ये क्या होगा, आपको अपकमिंग जो पीएससी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये आपका सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा आपको। दूसरा ये होगा कि जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम उसके क्या करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे, तो इससे क्या होगा जो आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक भी यहाँ पर साथ में क्या हो जाएगा, कवरअप होते रहेगा। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये है, नंबर सिस्टम हम चालू कर रहे हैं और ये पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है और सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है। हमको ये पता करना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन हमारा गलत है। ठीक है, नंबर सिस्टम है तो हम क्या करते हैं, पहले एक जनरल व्यू ले लेते हैं नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या क्या होता है, क्योंकि मैथ्स ही डिपेंड पूरे नंबर्स पे है, तो इस नंबर में से कहां कहां से क्वेश्चन और क्या क्या पूछ सकता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो जब बात नंबर सिस्टम का हो रहा है तो हम जान लेते हैं भाई नंबर हमारे पास क्या क्या होते हैं जो हमारे काम के हैं। जो सबसे पहला होता है वो हमारे पास होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या जिसको हम बोलते हैं। ये शुरुआत किससे होता है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस प्रकार ये एन तक जाता है। ठीक है, ये पहला चीज। जो दूसरा होता है वो हमारे पास होता है होल नंबर, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये ज़ीरो, वन, टू, थ्री, ऐसा करते 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 कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करेंगे उसका शुरुआत वन से हो रहा है और जो पूर्ण संख्या की बात कर रहा है वो किससे यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं ज़ीरो के साथ में इन सबको ले लेता हूँ तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ, इनको मैं नेचुरल संख्या बोल सकता हूँ, प्राकृतिक संख्या बोल सकता हूँ। इसका मतलब कि सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्या है ना वो पूर्ण संख्या में समाहित है, किंतु सारी की सारी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक में समाहित है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीरो हमको नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण होंगी, किंतु सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होंगी। दैट मीन्स एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर बट एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछता है प्राइम नंबर में से। प्राइम नंबर जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या, जो सिर्फ और सिर्फ एक एवं खुद से भाग जाएगा और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2 को, 3 को, 5 को, 7 को, 11 को, हम इस तरीके से चलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये किससे डिवाइड होगा, 1 से, और किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो ऐसे कोई भी नंबर जिसके यहाँ पर क्या होंगे, सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, ठीक है, दो ही फैक्टर्स होंगे, तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो कहलाता है अभाज्य संख्या। यहाँ से बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछता है। अच्छा,
सबसे छोटी हम अभाज्य संख्या लेते हैं, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे पास, दो दिख रहा है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या होगी, दो होगी, और दो ही इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो हमारे पास सम भी है और अभाज्य भी है। दो के बाद कोई सी भी संख्या यहाँ पर क्या होगा, जो अभाज्य होगा, सम नहीं होगा, सबके सब क्या होगा, विषम संख्या होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से लेकर 50 के बीच हमारे पास 15 अभाज्य संख्या होती है, 50 से लेकर 100 के बीच हमारे पास 10 अभाज्य संख्या होती है। तो मतलब कुल हम एक से लेकर 100 तक देखें तो हमें कितनी अभाज्य संख्या मिली, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25, ठीक है, क्या हो जाएगा, 25। यहाँ से और क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 11, ठीक है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, तीन अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 101, तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, क्लियर हुआ, तो आपको एग्जाम में यहां से ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है यहां पर, ठीक है। अब अभाज्य संख्या बात की है तो अभाज्य संख्या का अपन जस्ट ऑपोजिट बात कर लेते हैं कि उसका ऑपोजिट यहां पर क्या होता है। जब हम उसके ऑपोजिट के बारे में बात करेंगे तो उसका जस्ट ऑपोजिट हमारे पास होता है अभाज्य संख्या का जो दूसरा होता है, जिसको हम बोलते हैं चौथा, जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या में क्या किए थे, उसमें सिर्फ दो और दो फैक्टर्स था, मतलब वो नंबर क्या होगा, एक से और खुद से डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ऐसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जो एक और खुद को छोड़ के भी दूसरे नंबरों से डिवाइड होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, कॉम्पोजिट। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 6, तो 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड, समझ में आया। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए हमारे पास, इसके 4 फैक्टर्स हुए, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर सपोज मैं 28 लिया, तो ये 1 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड हुआ, 7 से डिवाइड हुआ, 14 से डिवाइड हुआ, और 28 से डिवाइड हुआ। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर किसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या, यहाँ पर जिसको क्या होगा, जो अभाज्य संख्या नहीं होगा, या जिसके एक एवं खुद को छोड़ के भी और भी फैक्टर्स होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्पोजिट भाज्य संख्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैं 12 को लिया, तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा, क्लियर। हम एक और चीज यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास क्या हो गया, भाज्य संख्या हमारे पास हो गया। यहाँ पर हम देखें, ये जो है इसको हम प्लस किए, इनके फैक्टर्स को, है ना, इनके फैक्टर्स को अपन लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो कितना हो जाता है, 12। इन सब के फैक्टर्स को अपन प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 56। इन सब के फैक्टर्स को अपन प्लस करते हैं तो 12 6 18 18 4 22, 3 25, और 3 28, यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 6 का हम क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है, 12। 28 का दुगना किए तो कितना हुआ, 56, और 12 का दुगना किए तो 28 नहीं आ रहा है। जैसे इसको हम 2 से किए तो ये आ गया, यहाँ पे 2 से किए तो कितना आ गया, ये आ गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स का जो योग है, अगर वो संख्या का दो गुना हो जाता है, संख्या क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। मतलब वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास होता है संपूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, संपूर्ण संख्या, वो यहाँ पर हमारे पास कहलाता है, ठीक है। अब एक से लेकर 100 के बीच में सिर्फ हमारे पास दो ही क्या है, हमारे पास क्या है, परफेक्ट नंबर है, वो है पहला आपका 6 और दूसरा है आपका 28। इनको छोड़ के कोई भी और नंबर दो अंकों में एक से लेकर 100 के बीच हमारे पास नहीं है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इन्हीं के भाई आ जाते हैं, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया हमारे पास, ठीक, भाज्य यहाँ पर क्या हो गया, अभाज्य हमारे पास ये हुआ, ठीक है।
अब ये भाज्य अभाज्य के साथ में एक और चीज हम देख लेते हैं कि जैसे सह अभाज्य जिसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब हमारे पास इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सह अभाज्य बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं सह अभाज्य। मतलब अगर दो संख्या दिया हुआ है वो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, एक होगा, या वो जो दो संख्या है एक को छोड़ के किसी अन्य से यहाँ पर क्या होगा भाग नहीं जाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, सह अभाज्य को प्राइम नंबर हमारे पास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला 4 और 9, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर ये जो है 4 और जो 9 दिया हुआ है वो कॉम्पोजिट है, मतलब भाज्य अभाज्य हमको उससे मतलब नहीं है। हमको ये देखना है क्या ये 4 एवं 9 आपस में कोई एक संख्या से विभाज्य होता है क्या, नहीं होता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा को प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे मान लो 13 ले लेता हूँ और 39 ले लेता हूँ, तो हमको ये नहीं देखना है कि ये जो 13 है अभाज्य संख्या इसलिए वो होगा, नहीं। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर 13 और 39 को देखा तो ये किससे भाग जा रहा है, 13 से भाग जा रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास क्या होगा, को प्राइम नंबर वो हमारे पास वो नहीं होगा और ये हमारा क्या होगा को प्राइम होगा। फिर उसी तरह अगर मैं बोलूँगा ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर मतलब जो दो अभाज्य संख्या होती है जिनके बीच यहाँ पर क्या होगा दो का अंतर होगा, दो का गैप होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 और यहाँ पर क्या होगा 5 हुआ, ठीक है। यहाँ पर सपोज फिर मैंने यहाँ पर बोला 11 और यहाँ पर क्या हुआ 13 हुआ, इनके मध्य में दो का अंतर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा ट्विन प्राइम होगा, ठीक। अच्छा, अब खास बात हमने अभी तक भाई साहब एक को भूल गए हैं, तो एक क्या होता है स्पेशल नंबर होता है, एक ना ही भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा, ठीक है। वन इज क्या हो जाएगा नेदर कॉम्पोजिट नॉर क्या हो जाएगा प्राइम। एक क्या होता है स्पेशल नंबर होता है, जैसे आप एक के पावर में कुछ भी नंबर लगा लो, कुछ भी स्क्वायर लगा लो, चाहे 1 के पावर में 2, 3, 4, 5, 6, हमेशा रिजल्ट क्या होगा 1 ही आएगा। और कोई सा भी नंबर के अगर सपोज पावर में 0 लगाते हो, कोई भी नंबर की पावर में यहाँ पे क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं, तो अल्टीमेटली हमको आंसर कितना मिलेगा 1 ही मिलता है, इसलिए 1 यहाँ पर क्या होता है स्पेशल नंबर हमारे पास होता है। तो ये था हमारे पास ये बेसिक यहाँ पे जो नंबर सिस्टम जो नंबर्स हम जानते हैं वहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि जो हमको वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था ना वहाँ पर, वो क्वेश्चन हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था कि हमको बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है क्या, नहीं होती। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं होता। हाँ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, बिल्कुल सही है। आपको जितने भी नंबर्स होते हैं इरेशनल छोड़ के उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं पी अपॉन क्यू के में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज 4 लिया तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा 1। अगर सपोज मैं -10 लिया तो ये क्या हो जाएगा -10 अपॉन क्या हो जाएगा 1। अगर कोई भी नंबर लिया तो उसके रिमाइंडर उसके डिनोमिनेटर में उसके यहाँ पर हर में क्या लगा दूंगा 1 लगा दूंगा, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या रेशनल नंबर हमारे पास हो जाएगा। तो ये सही होगा और ये गलत होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 एवं 3, 1 एवं 3, 1 एवं 3, मतलब यहाँ पे कर लेते हैं इसको 3, 1 एंड 3, तो हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हमारे पास सही होगा। समझ में आया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना। इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये आपका, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है आपका इसमें, है ना, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 162 द रिमाइंडर इज 59,
व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18? ठीक है, एक संख्या को 162 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 59। यदि उस संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? हम देखते हैं यहाँ पर ये जो 162 दिया हुआ है, ये 18 से यहाँ पर क्या होता है? विभाज्य होता है डिवाइड। 18 × 9 करेंगे तो 162 आ जाएगा। तो जब ऐसा डिवाइड होगा तो यार रिमाइंडर कितना बचा है? 59। तो ये क्या हो जाएगा, हम 59 को 18 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 18 थीजर क्या हो जाएगा? 54। रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचा? 5। तो मतलब अगर उस संख्या को क्या करेंगे, अगर उस संख्या को अगर मैं सपोज मान लो 28 डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना बच जाएगा? 5 हमारा आंसर यहाँ पर बच जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत बार एग्जाम में ऐसा होगा कि यदि एक संख्या को 162 विभाजित किया तो शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा 59। उस संख्या के तिगुने को अगर सपोज मान लो बोला है कि उस संख्या के तिगुने को अगर सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 18 से विभाजित करता हूँ, तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, क्या बोला है? तिगुना बोला है। तो यहाँ पे जो 59 है उसको 3 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 170 क्या हो जाएगा? 177। दुगना बोलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तिगुना बोलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिपेंड वहाँ पर हमको क्या पूछा है। ठीक, अब इसको 18 से डिवाइड किए तो 189 कितना हुआ? 162, एंड द रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 15। यही हमारा आंसर होगा उस कंडीशन में। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपके PSC के हिसाब से इस टाइप वाले क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं। अगले में आ जाते हैं। ठीक, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, इकाई का अंक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इकाई का अंक आपको जो पूछता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इकाई के जो अंक होता है उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इकाई में क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई में ही आ सकता है। इकाई मतलब यहाँ पर क्या होता है, किसी भी अंक का सबसे लास्ट। जैसे अगर मैं सपोज बोला 47 तो इसका इकाई अंक कितना है यहाँ पर? 7। अगर मैंने बोल दिया 289 तो इसका इकाई अंक यहाँ पर क्या है? 9। ठीक है, अब अगर सपोज मैं बोला 467 × 234 × 984 या 982, ये है। अगर मैं इन सबको गुना किया तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, मतलब सबसे अंत में जो संख्या होगा वो क्या होगा, हमको वही निकालना है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 7 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? 4, और यहाँ पर क्या हुआ? 2, क्योंकि इकाई के बारे में बात हो रही है तो हमको मतलब किससे? सिर्फ अंतिम वाले से मतलब है और किसी से मतलब हमको नहीं है। तो 7 × 4 कितना हुआ? 28 का क्या बचा? 8। 8 × 2 कितना हुआ? 16। 16 का कितना बचा? 6। तो इसके इकाई में क्या होगा? 6 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? 6 हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर पहला यहाँ पर क्या पूछता है हमको? गुणनफल वाले में पूछता है। ठीक, ये हमको पहला क्या पूछे? गुणनफल में पूछेगा। दूसरा क्या होता है? पावर वाला पूछता है। तो जो पावर वाला होता है वो किस तरीके से होता है वो देखते हैं। इकाई में क्या क्या आ सकता है वो हम जानते हैं, 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, तो 0, 1, 5 और 6 ये नंबर्स ऐसे हैं कि इनके पावर में कुछ भी ले लो, इनके पावर में सपोज 5 के पावर में 4 लिया, 6 के पावर में 3 लिया, 1 के पावर में 7 लिया, 0 के पावर में 11 लिया, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके पावर में कुछ भी ले लो इकाई में क्या होगा वही आएगा। जैसे 6 के पावर में 1 हुआ 6, 1 लिया तो कितना हो जाएगा? 6 होगा। 2 लिया तो कितना हो जाएगा? 36 हुआ। 3 लिया तो कितना हो जाएगा? 216 होगा। तो उसके अंत में यहाँ पर क्या होगा? 6 ही होगा। तो ये नंबर्स ऐसे हैं जिसके अंत में अगर सपोज 0 हुआ 1 हुआ 5 हुआ 6 हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? 0, 1, 5 और यहाँ पर क्या होगा? 6 ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा है कि 1296 के पावर में अगर 47 होगा तो इसका इकाई में क्या आएगा। अब चूंकि अंत में यहाँ पर 6 है, 6 में क्या होगा, घात में क्या होगा, कुछ भी चले जाए
तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, तो हमारा इकाई अंक यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, ये पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन 4 और क्या लेते हैं, 9 का बात करते हैं। 4 और 9 में क्या होगा, अगर मैं सपोज 4 की घात 1 लिया तो कितना मिलेगा, 4। अगर 4 की घात 2 लिया तो कितना मिलेगा, 16। 4 की घात अगर मैं सपोज 3 लिया तो कितना मिलेगा, 64। और 4 की घात अगर मैं सपोज 4 लिया तो कितना मिलेगा, 256। ठीक है, 9 की घात अगर मैं सपोज 1 लिया तो 9 मिला, 9 की घात 2 लिया तो मुझे यहाँ पर 81 मिला, 9 की घात 3 लिया तो 729 मिला, 9 की घात 4 लिया तो 6561 मिला। कॉमन चीज क्या आ रहा है, अगर सपोज 4 के पावर में जो पावर है वो ऑड है, विषम है, विषम होगा तो क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। देखो विषम में कितना आ जा रहा है, 4, और सम में कितना आ रहा है, 6। ठीक है, तो 4 के क्या होगा, अगर सपोज 4 के पावर में यहाँ पर ऑड होगा तो ये कितना होगा, यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। और अगर सपोज 4 के पावर में इवन, मतलब अगर सम संख्या होगा तो वो कितना होगा, 6। सेम कॉन्सेप्ट 9 में देखते हैं। 1 में विषम में क्या आ रहा है, 9, सम में क्या हो जा रहा है, 1। विषम में आ जा रहा है 9, सम में क्या हो जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो उस कंडीशन में अगर सपोज यहाँ पे मैं अगर सपोज 9 लिया, 9 के पावर में यहाँ पर क्या करता हूँ, 9 के पावर में यहाँ पर अगर सपोज ऑड विषम लेता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। और अगर सपोज 9 के पावर में इवन लिया, सम लिया, तो वहाँ कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारे पास क्या होता है, जो बच गया है वो क्या क्या बच गया है, 2, 3, 7 और 8। ठीक है, तो ये जो हमारे भाई साहब हैं, इन भाई साहब लोग अलग प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, ये हमको आसानी से मिल जा रहा था, ये भी हमको आसानी से मिल जा रहा था, ये थोड़ा सा मेहनत करवाने वाले हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, जो ऊपर में है ना इसको हम ले लेते हैं पावर। देखो याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं क्या बोला हूँ, अभी हमको सिर्फ इकाई के बारे में बात हो रही है, बात हमको क्या निकालना है, सिर्फ इकाई का संख्या निकालना है। वो सामने में क्या नंबर्स आ रहे हैं, क्या आगे गुणनफल होगा, क्या क्या नंबर्स होंगे, हमको उनसे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ हमको क्या है कि अंत में क्या आएगा, ये आएगा कि कौन सा अंक आएगा, और उसके आगे कोई सा भी नंबर है हमको उससे मतलब नहीं है, उस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम पावर पावर खेलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर हम लोग कॉमन चीज है पावर पावर खेलते हैं। ठीक है, पावर पावर खेलेंगे तो थोड़े से हमको थोड़े में हमको समझ में आ जाएगा कि हम लोग पावर पावर कैसे खेल रहे हैं। ठीक है भाई, चलो इतने में खेल लेते हैं। ठीक, चलो इतने में खेल लेते हैं। ठीक, पावर पावर, ओके। अच्छा अच्छा, ये भी तो है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये पावर लगा दिया अपन लोग। अच्छा, 2 के पावर में 1, 2, 2 के पावर में 2, 4, 3 में 8, 4 में 16, 5 में 32, 6 में 64, 7 में 128 और 8 में 256। ठीक है, कॉमन चीज क्या हो रहा है कि यहां पर जो 4 के बाद है, 4 के बाद फिर क्या हो गया, रिपीटेंस चालू हो गया है। 1 में कितना था, 2 था, तो 5 में भी क्या था, 2 था। 2 में क्या था, 4, 6 में क्या था, 6, 3 में क्या था, 8, 7 में भी क्या है, 8 है, 4 में क्या है, 6, और यहां भी क्या है, 6। मतलब 4 के बाद यहां पर क्या हो जा रहा है, वो रिपीटेंस चालू हो जा रहा है। 3 के पावर में 1 यहां पर क्या होगा, 3 होगा, फिर यहां पर क्या होगा, अगर मैं सपोज यहां पर लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 में 9 होगा, 27 का यहां पर 3 के पावर में 3 लूंगा तो 27 का क्या होगा, 7 होगा। और 7 × 3 क्या, तो 81 का यहां पर क्या होगा, 1 होगा, हमको आगे उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर यहां पर क्या चाहिए हो जाएगा, 3, 9, 7, 1 रिपीटेंस चालू हो जाएगा। 7 के पावर में 1 लिया तो क्या हो जाएगा, 7, 2 लिया तो 49 का क्या होगा, 9। ठीक है,
343 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। हमको उससे मतलब नहीं है, पहले बता रहा हूँ। आगे क्या है उससे मतलब नहीं, 49 है। अगर मैं सपोज 7 का वर्ग बोला तो 49 होगा, लेकिन हमको 4 से मतलब है क्या? 4 से मतलब हमको है ही नहीं। हमको मतलब किससे है? 49 का 9 से मतलब है, तो लास्ट वाले से मतलब है हमको, ठीक है। तो अब 3 × 7 क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा। फिर यहां पर क्या होगा, 7931 वो रिपीटेंस मोड में चला जाएगा। 8 में क्या होगा, 8 होगा। 64 का कितना होगा, 4 होगा। 64 का 4, 8 चौक 32 का कितना होगा, 2 होगा। 8 दूनी 16 का कितना होगा, 6 होगा। 48 का कितना होगा, 8 छक्के 48 का 8 होगा। फिर वही हम देखेंगे तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, अगेन पुरानी कहानी चालू हो जाएगी। वो कहानी होगी 8 4 2 और किसका होगा, 6 का होगा। तो मतलब अगर किसी के इकाई में 2 3 7 और 8 रहेगा, 2 3 7 और 8 रहेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा पावर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। और अगर सपोज कोई भी नंबर हमको दिया हुआ है उसको हमको 4 से डिवाइड करना है, 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, लास्ट 2 नंबर्स लेंगे और लास्ट 2 नंबर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यही वाला कहानी हमारे पास चलता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इकाई गण बहुत बार पूछते हैं ना एग्जाम में, इनटू प्लस माइनस करके ऐसा पूछता है, याद रखना, ठीक है, हो गया। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमको यहां पर क्या बोला था, 127 के पावर में 47 इनटू 264 टू द पावर 128 का इकाई अंक क्या होगा। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है ना भाई, क्या दिया हुआ है, 7। तो मतलब 47 को अगर मैं सपोज 4 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो कितना बच रहा है, 3, ठीक है। तो जब 7 के पावर में रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा, तो तब उस कंडीशन में इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 होगा। यहां पर 4 दिया हुआ है और पावर यहां पर क्या दिया हमको, यहां पर इवन नंबर दिया हुआ है, मतलब हमको सम संख्या दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 6 होगा। और 3 छक्के कितना होगा, 18। 18 का क्या होगा, 8। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये तो इसके इकाई में यहां पर क्या आएगा, 8 इसके इकाई में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक। चलो अगले में आ जाते हैं। In a zoo, there are some peacock and lions. The total number of heads is 30, while the total number of legs is 100. Find the number of lions. एक चिड़ियाघर में कुछ मोर और शेर हैं और उनकी कुल संख्या कितना दिया हुआ है, 30, और पैरों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है, 100। हमको शेरों की संख्या निकालना है, ठीक। ये जो क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, नंबर सिस्टम का जो हेड्स एंड लेग्स वाला है, सर एवं पैर वाला है, वो वाला पोर्शन है हमारा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब हम सर बोलेंगे, कोई सा भी जानवर हो या इंसान हो, उसका सर यहाँ पर कितना होगा, उसका जो सर होता है, जो हेड होता है, हेड हमेशा कितना होगा, सर हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। बस अगर वो शेषनाग ना हो और हमारे रावण भाई साहब ना हो, ठीक। तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, हेड कितना होगा, 1 ही होगा। जब हम बात करेंगे लेग्स का, तो जब पैर के बारे में बात करेंगे, तो पैर यहां पर क्या होगा, 2 होगा या फिर कितना होगा, 4, ठीक है। क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 4 होगा, ठीक। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो खोरवा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका 3 होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो 2 होगा और यहां पर क्या होगा, 4 ही होगा। तो जब हेड्स एंड लेग्स के बारे में बात करेंगे, तो हम ये ले लेते हैं, जानवर है ना, उनको हम मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं जो पीकॉक है, मतलब जो मोर है, उनकी संख्या मान लेते हैं x, और जो लायन है, मतलब जो शेर है, उनकी संख्या मान लेते हैं y, ठीक है।
तो हमको दिया हुआ हैड, मतलब सर कितना दिया हुआ है 30, या उनकी कुल संख्या कितना दिया हुआ है 30। तो x प्लस y ये हमारे पास कितना हुआ, पहला कंडीशन 30 हुआ। अब बात कर लेते हैं पैर का, इसके जो होंगे इसके दो पैर होंगे और इसके कितने पैर होंगे, चार पैर। तो 2x प्लस 4y ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 100। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना, मतलब रैखिक समीकरण बन गया दो चर वाला x और y वाला। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है एक हम मान के चलते कुछ नहीं, क्या लेके चलते हैं यहाँ पर, इस जगह में हम मान के चलते हैं कितना आया हमारे पास, एक आया है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो अब जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 4x प्लस 4y इक्वल टू 120, 2x प्लस 4y इक्वल टू बनेगा 100। ये दोनों कटा, 4x में से 2x गया तो 2x बचा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। x का वैल्यू क्या आ गया 10, मतलब ये जो है ये हमारे पास कितना आ गया 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20। तो अब बात बोलेगा कि कितने मोर हैं, पीकॉक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10, और बोलेगा कितने लायन हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 20। तो पूछे यहाँ पर लायन से मतलब शेर पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20। क्लियर, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एमसीक्यू सीरीज बहुत जरूरी है भाई, इसमें क्या होगा आपको दो इम्पोर्टेंट होगा, ये आपको एक आइडिया ये देगा कि आपको जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे जो पीएससी है और उसको छोड़ के, जैसे मान लो सपोज आप इस बीच आप जो व्यापम के अपकमिंग एग्जाम्स आप उसको भी देखते हैं ना, तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चंस वहाँ पूछने की संभावना है। और ये ऐसे क्वेश्चंस लिखा है जो वर्तमान में बहुत ट्रेंडिंग है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको आजकल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विगत वर्षों में देखें तो क्या हो गया, जो लेवल है ना वो सडनली बहुत राइज कर दिया है, आपका जो सीसेट हुआ बाकी जो एग्ज़ाम्स होते उसका लेवल क्या हो गया, सडनली क्या हो गया, राइज हो गया। क्यों, कोरोना में क्या होता था, लोग गवर्नमेंट सेक्टर को, कोरोना से पहले गवर्नमेंट सेक्टर को उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जैसे ही कोरोना लगा ना तो उनको ये मालूम चल गया कि सरकारी दामाद बनना सबसे सुरक्षित है, सरकार के दामाद बनना जी, नौकरी लगा के और आप आराम से, आप कोरोना में भी आप घर में बैठ के उनको सैलरी मिला है। तो इसलिए अभी क्या हो गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ क्या हो गया और अधिकारी बनने की तरफ क्या हो गया, बच्चों का रुझान ज़्यादा हो गया। तो जब रुझान ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए, इसलिए लेवल क्या हो गया, थोड़ा सा हाई हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना उस चीज़। अब बोला है हमारे पास एक एग्जामिनेशन है, इन एग्जामिनेशन ऑफ 100 क्वेश्चंस 3 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर द करेक्ट आंसर व्हाइल देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अ स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस एंड ही गॉट 200 मार्क्स, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच ही अटेम्प्टेड वर रॉन्ग। मतलब 100 प्रश्नों का एक संख्या है, अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको कितना मिलता है, 3 अंक मिलता है, और आप जब गलत आंसर देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, एक नंबर आपका कट जाता है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए या कितने प्रश्न आपने क्या किए गलत किया, हमको ये निकालना है। तो हम ऐसा मान लेते कि हमने एक्स प्रश्न को सही बनाया है और वाई प्रश्नों को गलत बनाया है, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स प्रश्नों को सही बनाया है और वाई प्रश्नों को हमने यहाँ पर क्या किया है, गलत बनाया है, लेकिन हमने एक्स प्लस वाई कुल 100 प्रश्न हमने बनाए हैं, ये पहला काम हमको। अच्छा, बहुत बार याद रखना इसमें क्या करेगा मालूम, कि आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिया हुआ है और वहाँ पे क्या करेगा, पूछेगा विद्यार्थी ने 10 क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया हुआ है या उसने सिर्फ 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तब याद रखना कि x प्लस वाई यहाँ पर क्या होगा, 90 हो जाएगा, ठीक। ये आपका एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज भी कर सकता है। अब जब आप सही कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 3 नंबर, जब आप गलत कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, एक नंबर क्या हो रहा है, कट रहा है। तो मतलब जब आप सही किए तो आपको यहाँ पर क्या हुआ, 3x क्या हुआ, प्लस हुआ, और गलती किए तो यहाँ पर 1y यहाँ पर क्या हुआ, माइनस हुआ। तो सही उत्तर में से गलत उत्तरों का नंबर घटाएंगे तो हमको प्राप्तांक होंगे, और वो जो प्राप्तांक है हमारे पास कितने हैं, 200। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 4x हो जाएगा जो कि 300 के बराबर है। तो x हो जाएगा
300 बटे 4, जिसका उत्तर हमको क्या मिलेगा, 75। तो इसका मतलब उसने 75 क्वेश्चन सही बनाए थे, तो 100 में से 75 गया तो कितना बचेगा, 25। तो उसने 25 क्वेश्चन को गलत बनाए थे। और आपको यही पूछा है कि संख्या ज्ञात करें, उन्होंने जो प्रश्न हल किए थे वे गलत थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ, देख लीजिए ध्यान से। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये हमारा डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। ये हमको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 88। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, यहाँ पर क्या होता है कि आपको क्या बोला है कि किससे डिवाइड, आपको 88 से डिवाइड है। अच्छा, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आपको ना एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि क्या होता है कि ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो कुछ जगह क्या होता है कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। जैसे अभी आप एच एफ एल सी में जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत बार एग्जाम में यहाँ पर क्या करेगा, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आपको देगा ही देगा, ताकि वहाँ पर क्या करें आप, उस वहाँ से आपका दो चीज़ चेक हो जाएगी कि आपका जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं करके, ठीक है। और आप प्रश्न बनाने की आपकी क्षमता को भी क्या करेगा वहाँ पर, वो जाँच लेगा। तो जब बात डिविजिबिलिटी की होती है तो इस डिविजिबिलिटी में यहाँ पर क्या होता है, विभाज्यता, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, विभाज्यता, विभाज्यता बोलते हैं डिविजिबिलिटी। मतलब कोई सा भी नंबर क्या होगा, गिवन नंबर से डिवाइड है कि नहीं हमको ये पता करना होता है, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, विभाज्यता, डिविजिबिलिटी यहाँ पर बोलते हैं, ठीक। शुरुआत 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 4 से करते हैं, 5 से करते हैं, 6 से करते हैं, 7 से करते हैं, 8 से करते हैं, 9 से करते हैं और 11 में आके रुक जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। किस किस से आ रहे हैं अपन लोग, 2 से आ रहे हैं, 3 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके बाद अंत में यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, ठीक है। 2 का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आसान है, 2 के लिए यहाँ पर क्या होगा, आपका अंत में लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। ये हम जानते हैं सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो गया, या जिसके अंत में यहाँ पर क्या होगा, 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, वो क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य होगा। अच्छा, 3 में यहाँ पर क्या होता है, 3 में यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके अंक होते हैं ना, अंकों का योग होता है, अंकों का यहाँ पर क्या होता है, योग, सम ऑफ द डिजिट्स। जैसे अगर सपोज मैं 465 बोला तो 4 + 6 + 5 तो कितना हुआ, 15, ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड वो नहीं होगा। 4 में आते हैं, 4 में यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो लास्ट 2 डिजिट है ना, सिर्फ आपको उससे मतलब है। जैसे मैं बोला 4056, पता करना है कि 4 से डिवाइड होता है क्या, तो हमको पूरा का पूरा तो हमको लेना नहीं है, हमको लेना किससे, हमको सिर्फ लास्ट के 2 नंबर लिए, जो 56 है क्या वो 4 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इसीलिए 4056 भी क्या होगा, वो क्या होगा, किससे डिवाइड होगा, वो 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक। 5 के लिए ये हम जानते हैं, लास्ट में या तो अंडा हो या तो 5 हो, ठीक है, या तो अंडा हो या फिर क्या हो, 5, मतलब लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज 25 बोला, 40 बोला, तो लास्ट में यहाँ पर 5 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इसलिए वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक। 6 के लिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, दोनों से होना जरूरी है, किसी एक से नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 132 लिया तो अंत में यहाँ पर 2 है, इसीलिए वो 2 से डिवाइड होगा, और मैं 1 + 3 + 2 लिया तो ये हो जा रहा है 6, और ये 6 क्या हो जा रहा है, 3 से भी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब वो 2 से भी डिवाइड हुआ, 3 से भी डिवाइड हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर हो गया 6 तक, ठीक। अब 7 के लिए आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं 5, 6, 7 बोला, ठीक है, ये नंबर आपको पता करना बोलेगा कि आपको क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है क्या, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर
ये जो लास्ट नंबर लेते हैं यहाँ पर अंत का नंबर लेते हैं, कितना हुआ 7। 7 को हम डबल किए तो यहाँ पर कितना हुआ 14 हुआ 14। तो अब इसका डबल है तो यहाँ पे हम 7 को छोड़े तो क्या बचा हमारे पास, बचा 56 बचा। 56 में से 14 माइनस किए तो यहाँ पर कितना बचा 42। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 42। तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जो 42 है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। और आगे चलाना होगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अंतिम संख्या को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डबल कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा 4। अब अगर मैं अंतिम को छोड़ दिया तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, फिर यहाँ पर ये जो संख्या बचा है क्या बचा है 4, और 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा 0। अगर अंत में यहाँ पर क्या आता है 0 आता है, या जो दो अंक आखिरी में बचेगा, दो अंक आखिरी में बचेगा अगर वो 7 से डिवाइड होगा तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे 4 के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, लास्ट के दो डिजिट देख रहे थे। ये जो 4 है ना, 4 में क्या कर रहे थे, लास्ट के यहाँ पर क्या देख रहे थे दो डिजिट। 8 में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में हम क्या करेंगे, लास्ट के यहाँ पर क्या करेंगे टू डिजिट देखेंगे। सॉरी, 8 में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट्स को लेके चलेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे बोला गया है कि 9152 ये डिवाइड होता है क्या 8 से, ये पता करना है। तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ ये जो 152 हम इसको देखेंगे कि क्या वो 8 से डिवाइड होता है। हाँ बिल्कुल होता है, 19 × 8 = 152 होता है। तो अब हमको 152 अगर मान लो वो 8 से डिवाइड है तो ऑब्वियसली 9152 जो कंप्लीट नंबर है वो भी क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, 9 के लिए क्या होगा कि जो हमारा 3 वाला था, अंकों का योग किससे जाना चाहिए था 3 से जाना चाहिए था। तो 9 के लिए यहाँ पे क्या होगा, सेम जो होगा जो हमारे पास अंकों का योग वाला कहानी चला था, जो सम ऑफ डिजिट्स वाला कहानी चला था, वही कहानी यहाँ पर क्या होगा 9 में भी चलेगा। ठीक है, अच्छा एग्जांपल अगर मैं बोला कि 4 6 9, मैं बोला 4 6 9 8, क्या ये 9 से डिवाइड होता है। तो मैंने इसके अंकों को आपस में क्या कर लिया, प्लस कर लिया, 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 8 कितना हुआ 27। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो क्या होगा 9 से भाग जाएगा। क्लियर हो गया, एक बार ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाध्यता में आज क्वेश्चन आपका पूछता ही पूछता है। अब जो बच गया है इसमें, कौन सा बच गया था हमारे पास, 11 वाला बच गया था। ठीक है ना, क्या बचा था हमारे पास, 11 वाला हमारे पास बचा था। चलो अब जब बात 11 की करता है ना, जब बात हमको यहाँ पर क्या करता है, जब हमको बात 11 की होती है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब बात यहाँ पर क्या हो रही है, 11 की हमारे पास हो रही है, थोड़ा चेंज क्या हो जाएगा। अगर सपोज मैं बोला 4 6 2 8 9 4, पता करना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होता है क्या। तो ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मतलब विषम स्थानों पर जो संख्या है वो निकालना है और जो सम स्थानों पर संख्या है उसको देखना है। सम संख्या, विषम संख्या, इवन और ऑड नहीं लेना, उनका जो प्लेसेस में रखा हुआ है, जैसे ये 1 पे रखा हुआ है, ये 2 पे रखा हुआ है, ये 3 पे रखा है, ये 4 पे है, ये 5 पे और ये 6 पे। ठीक है, तो आपको क्या नंबर जिस जगह रखे आपको वो देखना है। जो ऑड नंबर विषम स्थान में कौन कौन सा, 4 2 और क्या है 9 है। अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो 4 और 2 6, 6 और 9 कितना हुआ 15, ये हुआ 15। अब जो नीचे है, मतलब जो यहाँ पर सम स्थान में संख्या कौन कौन सा है, 6 8 और 4, ये को प्लस करते हैं, 6 और 8 कितना हुआ, 6 और 8 हुआ 14, 14 4 कितना हुआ 18। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर है, अगर इन दोनों का अंतर हमको 0 मिलता है, 11 मिलता है, 22 मिलता, मतलब जो भी 11 का जो गुणनफल होगा, जो प्रोडक्ट होगा उसमें मिलेगा, या जो अंतर है इनका, जो अंतर अगर वो क्या मिलेगा 0 का मिलेगा, तो वो संख्या क्या होगा 11 से पूरी तरह भाग आपका जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अंतर कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है,
इसलिए मतलब ये संख्या क्या होगा, 11 से भाग आपका नहीं जाएगा। समझ में आया? अब हम जो क्वेश्चन था वो आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आपको यहां पर क्या बोला है, किससे भाग करने बोला, 88 से डिवाइड करने बोला है। ठीक, अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं कि हम पूरे के नंबर को हर एक को अपन लोग क्या करें 88 से डिवाइड करें। तो दो कंडीशन है, जो 88 है ना इसको मैं लिख सकता हूं 1 × 88, 2 × 44 और 11 × 8 लिख सकता हूं, इन्हीं तरीके से लिख सकता हूं मैं। ठीक है, और ये भी लिख सकता हूं मैं 4 × यहां पर क्या किया 22, अलग अलग तरीके से यहां पर लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या होता है कि हमको दो नंबर्स का जोड़ा लेना है जो को प्राइम हो, सह अभाज्य हो, मतलब दो ऐसी संख्या होगा जो आपस में किसी से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं 4 और 22 बोला तो 2 से डिवाइड बोल रहा है, जैसे मैं 2 और 44 लिया तो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे नंबर का जोड़ा देखना है जो किससे डिवाइड है, जो आपस में किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे नंबर कौन कौन से मिले हमारे पास, 11 और 8 मिले। मतलब अगर वो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और क्या होगा 11 से भी डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या होगा 88 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा जब बोल रहा हूँ, अगर वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा तो इसका मतलब वह संख्या क्या होगा 88 से भी क्या होगा पूरी तरह डिवाइड आपको होगा। अब यहाँ पे 8 का देखते हैं, लास्ट में क्या है 144, 8 से डिवाइड हो रहा है, यस 8 से डिवाइड हो रहा है। 644 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है क्या 644 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 8 से डिवाइड आपका नहीं हो रहा है। 664 हो रहा है क्या आपका 8 से डिवाइड, बिल्कुल आपका 8 से डिवाइड आपका हो रहा है। 244 डिवाइड हो रहा है क्या 8 से, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये दो ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म हो गए। अब हमको देखना है कि किस किस के मध्य देखना है, हमको हमको देखना है कि ये नंबर और ये नंबर में बचा है और हमने 8 से पहले क्या कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको 11 से देखेंगे, क्योंकि 88 बोला है ना, तो 11 और 8 दोनों से डिवाइड आपका होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हम इनको देखते हैं, किससे देखते हैं हम इनको, अब इन लोग को हम देखते हैं कि क्या वो आपका 11 से है क्या। ठीक, 1 9 6 1 4 4 यही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर जोड़े तो ये कितना मिला, ऊपर और जोड़े तो 1 और 6 7, 7 और 4 कितना मिला 11, नीचे जोड़े तो 9 और 1 कितना हुआ 10 हुआ, 10 और 4 कितना हुआ यहाँ पर 14 हुआ, अंतर 3 का है तो इसका मतलब ये तो 11 से नहीं जाएगा। अच्छा, अब इसको भी करके देख लेते हैं भाई, लास्ट वाला जो हमारे पास एक ऑप्शन बच गया, तो आंसर वही होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि 191 664, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, 1 और 1 2, 2 और 6 कितना हुआ 8, 9 6 15, 15 और है ना, हाँ 9 6 15, 15 4 कितना हुआ 19, दोनों का जो अंतर है वो आपको 11 मिल रहा है, यस वी आर गेटिंग 11, सो हैंस अवर आंसर इज 191 664, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या बोला था अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि दिया हुआ है कि आपको 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, लगातार 3 सम संख्याओं गुणनफल कितना दिया 1680 संख्याओं का योग क्या है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 1680 हमको निकालना। जब आपको बात करता क्रमागत संख्या की, जब आपको बात करता है अगर हमको क्रमागत संख्या मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में बोला है, सिर्फ आपको क्रमागत संख्या बोलेगा तो उसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, x लेके चलते हैं, x प्लस 1 लेके चलते हैं, x प्लस 2, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्रमागत आपको चाहे वो सम संख्या बोला है या क्रमागत आपको विषम संख्या बोला है,
That means if we had given the consecutive even number or the consecutive odd number, in both the cases, what we will take? We will take first number as x and the second number as x plus 2, third number is x plus 4, और फिर क्या होगा, ये x plus 6 यही वे में कंटिन्यू होगा। बहुत बार आदमी लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि आपको जब क्रमागत सम संख्या बोलेंगे तो 2, 4, 6 जोड़ देते हैं और विषम संख्या बोलेंगे तो क्या करते हैं, 1, 3, 5 जोड़ देते हैं। तो वैसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप, क्या करेंगे हम इसको नॉर्मल इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक। तो यह क्या होगा, अगर आपको क्रमागत संख्या दिया हो तो x, x plus 1, x plus 2 इसी वे में कंटिन्यू होगा, और आपको सपोज क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या दिया हुआ है तो ये आपका इस वे में आपका कंटिन्यू होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको बोला क्रमागत तीन सम संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दिया, 1680। तो मतलब x इंटू x plus 2 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1680, ठीक है ना। हमको तीन संख्या के बारे में बात हो रही, याद रखना। अब इनको x इंटू, जब हम क्या किए, इन दोनों को गुना किए तो हमको क्या मिला, x का वर्ग प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वर्ग मिलेगा प्लस यहाँ पर क्या होगा, 6x होगा प्लस यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1680। अब इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा, क्यूब में आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको गुणनखंड में तोड़ेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। हमको लगातार तीन सम संख्याओं का गुणनफल दिया 1680। तीन सम संख्या मतलब ये तीनों दिया हुआ है, ठीक है। तीन बोला है, तीन मतलब हम लोग क्या करते हैं, क्यूब में चलते हैं, याद रखना। तीन बोलेगा तो गुणनफल में, अगर तीन बोलेगा तो क्यूब में जाएंगे, और अगर दो बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग में जाएंगे, ठीक। अब 1680 किसी का क्यूब तो होता नहीं है, इसका सबसे नजदीकी जो क्यूब होता है वो 1728 होता है। क्या होता है, 1728 होता है। और ये जो 1728 है ना, वो किसका क्यूब होता है, ये हमारा 12 का क्यूब होता है, होता है 12 का क्यूब। तो हमारे पास जो मध्य संख्या हो गई ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 12। तो जो अगला संख्या है वो कितना हो जाएगा, 14, और इससे पहले वाला कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। हमको क्या बोला है, संख्याओं का योग ज्ञात करने बोला है, तो 10 प्लस 12 प्लस 14 किए तो ये हमारे पास कितना, 22 और 14 ये कितना हो जाएगा, 36, है ना। तीन बोले ना अपने पास, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 14 कितना हो जाएगा, 36। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ए ऑप्शन है इसको हम 36 ले लेंगे, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36। क्लियर हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अगले क्वेश्चन का, ठीक, अच्छा लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये अभी लेटेस्ट ट्रेंड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से आपका क्वेश्चन पूछना चालू किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है। ये आपको क्या बोलते हैं अपने, इसको सक्सेसिव क्रमागत, जब अपन लोग क्या करते हैं संख्याओं का, हम लोग क्या करते हैं क्रमागत विभाज्य, क्रमागत भाज्य करते हैं, तो क्या होता है। तो आपको यहाँ पर बोला है कि एक संख्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन अपन पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 एंड 5 लीव्स रिमाइंडर 1 एंड 4 रेस्पेक्टिवली व्हेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 एंड 4। मतलब जो ऑर्डर है आपका रिवर्स हो जा रहा है, पहले 4 और 5 से हो रहा था, अब क्या हो रहा है, 5 और 4 से हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो रिमाइंडर होगा आपको वो निकालना है। जब एक संख्या को क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है तो 4 और 5 में से क्रमशः 1 और 4 से बच रहा है, और उसको अगर सपोज मैं 5 और 4 से किया तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमको विभाज पता करना है कौन सा रिमाइंडर होगा। अच्छा, क्रमागत डिवीजन मतलब क्या होता है, ये आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे आपको सपोज यहाँ पे एक नंबर है x और एक नंबर आपको यहाँ पर मिला है y, आपने x को y से डिवाइड किया तो यहाँ पर जो आपका कोशेंट है, मतलब जो आपका यहाँ पर भागफल है, वो कितना आ गया, z आ गया, ठीक है। और मान लेते हैं रिमाइंडर आपका r आ रहा है,
तो ये पहला आपका क्या हुआ, शेषफल हुआ, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, आपका ये जो बचा हुआ ये इसको फिर हम क्या करेंगे, दूसरे एक और नंबर मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। जब इसको मैं ए से डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर यहां पर क्या बचेगा, तब मान लेते हैं आर वन बचेगा। ये हमारा क्या होता है, सक्सेसिव डिवीजन वाला होता है, ठीक है। अब ये था हमारा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम ये देखते हैं। किस किस से भाग करने बोला है, हमको बोला है चार और किस से भाग करने बोला है, पांच से भाग करने बोला है, चार और पांच से भाग करने बोला है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, एक, और यहाँ पर क्या बच रहा है, चार। हमको क्या निकालना है, वो संख्या निकालना है, ठीक, सिंपल है। यहाँ पर एक ले लेते हैं, पाँच एकम पाँच प्लस कर देते हैं इससे, तो क्या बचेगा, नौ। चार निया ये कितना हो जाएगा, छत्तीस, और इसको प्लस किए मतलब फोर इंटू नाइन प्लस वन किए तो ये हो जाएगा छत्तीस, और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सैंतीस। तो हमारे पास वो नंबर कितना आ गया, हमारे पास क्या हो गया, सैंतीस। तो पहला काम हमको संख्या पता करना था, हमने संख्या पता कर लिया वो। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर उसको जो डिवीजन का ऑर्डर था उसको इंटरचेंज कर दिए हैं, पहले चार पाँच था, पाँच चार करेंगे, तो अब यहाँ पर डिवाइजर क्या क्या बचेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला काम, इस 37 को डिवाइड किए किससे, हमने इस 37 को डिवाइड किया, पहले डिवाइड किया हमने 5 से, तो कितना आया, 5 7 35, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 2। तो पहला रिमाइंडर क्या बचा, 2, ठीक। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सपोज मान लो ऐसे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, तो अब यहाँ पर क्या बोला है, 7 बचा है और हमको पहले 5 से करके देख लिए, अब हम 4 से करके देख लेते हैं। तो 4 को डिवाइड किए 7 से, तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4, रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचेगा, 3, तो हमारे पास 2 और क्या बचेगा, 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो होप क्लियर हो गया होगा, ये हमारे पास क्या था, जो आपके नंबर सिस्टम था, ये आपके नंबर सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका संग्रह था, जहाँ पर क्या किया हमने, आपको जो साथ में जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर क्या कवर किया। ये टॉप एमसीक्यू जो सीरीज चल रहा है उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि आपको एक आइडिया ये देना कि अपकमिंग जो आपके एग्जाम में जो पीएससी का उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो आपका जो एमसीक्यू जो आपको जो सॉल्व करने में जो दिक्कतें होंगी कहाँ पर, जो आपको पीएससी प्री में या जो अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा, प्लस जो आपका सिलेबस आपका बहुत वास्ट है, तो उस वास्ट में क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समावेश कर देंगे, और साथ में क्या हो जाएगा, जो आपका कॉन्सेप्ट होगा ना वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, आपका ये नंबर सिस्टम खत्म हो गया, जल्दी से क्या आएंगे हम अगले टॉपिक में आएंगे, ठीक। वीडियो के लाइक्स और आपके जो कमेंट्स हैं आपके वो रुकने नहीं चाहिए, और फिर क्या होगा, जो अगली बार होगा आपका, जैसा आप मालूम है कि आपको शनिवार को क्या होगा, आपको लाइव लेंगे, तो आप अपने डाउट्स निकाल के रखे रहेंगे ताकि लाइव में क्या होगा उस डाउट्स को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, और भी कुछ डाउट होगा तो आप कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं।